नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के स्थानीय थाना क्षेत्र के उर्दिया गांव के पास बहने वाली छोटी सरयू नदी के किनारे 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि किसी ने फावड़े से सर पर प्रहार कर युवक की हत्या की है। ग्रामीणों ने शव की सूचना रोनापार थाने को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की पहचान रमेश यादव पुत्र राम अवध यादव निवासी खानपुर भगत पट्टी थाना बहरियागंज के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दिया और परिजन मौके पर पहुंच गए। मृतक रमेश यादव के परिजनों ने बताया कि रमेश यादव ऑटो चलाता था। शनिवार की शाम 4 बजे के करीब ऑटो दरवाजे पर खड़ा करके चला गया था। परिजनों के मुताबिक चालक से किसी की दुश्मनी नहीं थी। मृतक रमेश यादव लगभग 40 वर्ष बिलरियागंज थाना क्षेत्र के खानपुर भगत पट्टी का निवासी है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दोबारा जो सरयू किनारा है वहाँ पे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पे SHO और CO मैं स्वयं मौके पे गया। वहाँ पे देखा कि एक अधेड़ उम्र का 40 साल का रमेश यादव नाम का व्यक्ति है जो खान भगतपुर का रहने वाला है और वो पूर्व से क्रिमिनल रहा है। वो कई बार हत्या में चोरी में लूट में जेल गया था वो, और उसी की डेड बॉडी से बुलकटी से उसके सर पर प्रहार किया गया था और वही डेड बॉडी उसके सड़क पर छोड़ दी गई थी। परिजनों को बुलाया गया। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में एक व्यक्ति थे जिनकी इनकी एक 20 दिन पहले कहीं दुकान पर झगड़ा हुआ था, और चूँकि दोनों ही क्रिमिनल हैं, दोनों साथ साथ पहले जेल में रहे हैं, उन लोगों ने ही इसकी हत्या की होगी। और उसी के आधार पर दो व्यक्तियों को उन लोगों ने नामजद FIR थाना में कराया है। मुकदमा लिख के बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और बहुत ही जल्दी उन्हें गिरफ्तार करके मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।